तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक कमाई कर रही एनिमल अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे विकडेज में एंट्री मार चुकी है और अपने 10 दिनों में लगातार ऐतिहासिक कमाई करने के बाद यह फिल्म आज अपने 11वें दिन किन किन फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है और क्या ये फिल्म 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सुपरस्टार रणबीर कपूर और बॉबी देओल के डाहट फैंस है, उनकी इस फिल्म को देख चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल जो कि एक एक्शन थ्रिलर और वायलेंस फिल्म है, और इससे पहले दोस्तों आपने बॉलीवुड में इतना ज्यादा वायलेंस किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। सुपरस्टार रणबीर कपूर इस फिल्म में ड्यूल रोल में नजर आए हैं, तो विलन के तौर पर नजर आए हैं लॉर्ड बॉबी देओल। और दोस्तों, बॉबी देओल ने सिर्फ बिना डायलॉग बोले जिस तरह का एक्सप्रेशन और एक्टिंग की है वो काबिले तारीफ है। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों एनिमल को 4,000 स्क्रीन पर पिछले हफ्ते इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था, जिससे की हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा मिली थी। तो वही दोस्तों, इस फिल्म को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6,000 स्क्रीन दी गई थी, और 6,000 स्क्रीन्स पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इतिहास रच दिया था। और दोस्तों, 116 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की दूसरी बिगेस्ट ओपनर साबित हुई, और पठान जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को पसंद कर रही थी, और दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज दिए। यही वजह है कि इस फिल्म के दोस्तों सिर्फ अपने 3 ही दिनों के जो कलेक्शंस थे वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 202 करोड़ और दुनिया भर में 356 करोड़ रुपए के रहे। तो वहीं दोस्तों, अपने पहले हफ्ते इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुए, और इस फिल्म ने गदर 2, बाहुबली 2 और सभी के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। अगर बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों अपने पहले हफ्ते में ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी 563 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के अब सेकंड वीक की, तो दोस्तों अपने सेकंड वीक में भी सुपरस्टार रणबीर कपूर और बॉबी देओल की इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है। और दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने 8वें दिन 23 करोड़ रुपए की कमाई करके गदर के 20 करोड़ रुपए को पीछे छोड़ा है, तो वहीं दोस्तों अपने 9वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे, जो कि गदर के 31 करोड़ के कलेक्शन से कहीं ज्यादा है। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को दूसरे हफ्ते भी ज्यादा पसंद कर रही है, जबकि इस फिल्म का क्लेश सेम बहादुर जैसी फिल्म से हुआ है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों एनिमल ने जहां अपने 10वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा और 10वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई है, और इस फिल्म के कल यानी कि अपने 10वें दिन के कलेक्शन 37 करोड़ 40 लाख रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 432 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब हो चुका है। और ये फिल्म दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी लाइफटाइम कलेक्शन को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म गदर और पठान के 10 दिनों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने 11वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको ऑल ओवर इंडिया में 432 करोड़ रुपए की नेट कमाई, ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 510 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई, और ओवरसीज में 200 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कमाई करने वाली इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 720 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है। और इन 720 करोड़ के साथ ही रणबीर कपूर और बॉबी देओल की ये फिल्म गदर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर चुकी है, और इस साल बॉलीवुड की तीसरी बिगेस्ट ग्रोसर बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज के कलेक्शंस के, तो दोस्तों ये फिल्म आज भी 3.5 करोड़ रुपए की धमाकेदार एडवांस लेकर ओपन हुई है। मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म की आज की ऑक्यूपेंसी 18-22% की है। तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी वेल ट्रेंड कर रही है। यही वजह है कि ये फिल्म दोस्तों आज अपने 11वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां डबल डिजिट के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है, और इस फिल्म के
आज के जो कलेक्शन वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 13.5 से 14 करोड़ रुपए की कमाई करेंगे। और ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 446 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। तो वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 740 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी। ये फिल्म दोस्तों अगर इसी स्पीड से कमाई करती रही तो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही 1000 करोड़ की फिल्म बन जाएगी और पठान के 1050 करोड़ और जवान के 1100 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, एनिमल 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।